हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइस दिस इज लेक्चर नंबर 24 फॉर एमसीक्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड एज यूजुअल इसके अंदर हम पांच एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस इयर्स में यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं बिफोर क्विकली स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो भी पीडीएफ्स हैं यूट्यूब फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन सब्सक्राइब फॉर देम एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट एंड अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स लेते हैं जिसके अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉस सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसीक्यूज है तो वहां पर पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है यू विल गेट इट इंक्लूडेड इन टू इट एंडीट ऑफ चल रहा है इफ़ यू यूज द कोड यूपीएससीपीएफ ऑल राइट चलिए सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट विदर्स्ट क्वेश्चन नाउ हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर

तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay. 2005 यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्जाम में इजी uh, क्वेश्चन है मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट फिर भी इजी है देखो अल्टीमेटली अब सती वाला जो है ये अगर कोई एक सीरियस कैंडिडेट है तो ये एक बड़ी बेसिक सी बात है पता होती है अगर बच्चे ने तैयारी की है अगर हिस्ट्री पढ़ी नहीं है फिर वो एक डिफरेंट चीज होती है लेकिन अगर तैयारी करी है बेसिक सी भी हिस्ट्री पढ़ी है एक बार गो थ्रू किया है तो अपने को पता है कि यार केशव चंद्रा सेन नहीं थे ये आपके कौन थे राजा राम मोहन रॉय किनको क्रेडिट जाता है फॉर uh, ऑफ सती बैन ये थे राजा राम मोहन रॉय जिनके एफर्ट से बेसिकली आपका सती लॉ एनेट uh, हुआ ओके सो ऑप्शन थ्री तो बिल्कुल गलत है और अपने से करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन थ्री गलत है तो वन टू थ्री और टू थ्री तो ही हो गया अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में वन ओनली जो है वो तो दोनों में प्रेजेंट है यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है अब अपने को ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पता है या नहीं पता है बेथ्यून स्कूल के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है फिर भी अपने को इतना तो मालूम है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बेथ्यून स्कूल फाउंड किया क्योंकि वन तो होना ही होना है तो आप कर सकते हो तो गेस वर्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। 50 -50 हो जाती है ऐसे केस में सही होने के फिफ्टी परसेंट चांस है गलत होने के भी 50 परसेंट चांस है तो अगर बिल्कुल श्योर हो तभी इसको आंसर करके आए तुक्का मत है क्योंकि 50 परसेंट चांस है कि आप गलत कर दोगे आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन बी वन एंड टू दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं आपकी वो बिल्कुल करेक्ट हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे वो फर्स्ट ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अब आपका एक होमवर्क आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी कौन थे ठीक है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वुमेन ग्रेजुएट ओके okay, तो ये तो थर्ड स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इट वाज राजा राममोहन रॉय जिनके एफर्ट से 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर सती को बैन किया गया नॉट राजा राममोहन नॉट योर केशव चंद्रा सेन ठीक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे डिटेल में सो so, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अगर हम बात करें ही वॉज अ स्कॉलर रिफॉर्मर एंड बेसिकली ये क्या बोलते थे कि जो वेस्टर्न थॉट है ना उसको हमने एज इट इज नहीं लेकर के आना वेस्टर्न थॉट की जो मॉडर्निटी है जो फिलोसफी है जो science है, उसको हमने इंडियन ट्रेडिशन के अंदर ब्लेंड करना है, है ठीक 1850 में इन्होंने संस्कृत कॉलेज के ये प्रिंसिपल बने एंड इनका ये मानना था कि ये जो स्क्रिप्चुअल नॉलेज है ना जैसे वेदाज और जो भी सारी स्क्रिप्चुअल नॉलेज है हिंदुइज्म के अंदर जो बेसिकली आपकी संस्कृत के अंदर होती है तो इनका मानना था कि सिर्फ ये प्रीस्ट या जो ये पंडित है इनका इसके ऊपर अधिकार नहीं है इनके ऊपर इनकी, इनकी मोनोपली नहीं होनी चाहिए और इसी वजह से इन्होंने जो संस्कृत कॉलेज है अपने टर्म के अंदर अपने प्रिंसिपल के टर्म के अंदर इन्होंने बोला कि मैं इस संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मि के लिए भी खोल दूंगा ठीक है जो नॉन ब्राह्मिण्स है वो भी इस कॉलेज में आकर के पढ़ सकेंगे इवन इन्होंने संस्कृत कॉलेज के अंदर वेस्टर्न थॉट को भी इंट्रोड्यूस किया ठीक है ताकि संस्कृत जो है वो बाकी की दुनिया से आइसोलेट होकर के ना रह जाए और ये अपने आप में भी एक टीचर थे एकेडमिशन थे तो इन्होंने संस्कृत को टीच करने के नई मेथोलॉजी मेथोडोलॉजी को डेवलप किया साथ ही साथ बेंगोलॉजी बेंगाल के अंदर भी इन्होंने न्यू प्रोज स्टाइल जो है वो डेवलप किया तो वहां पर भी इनके पास क्रेडिट जाता है उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे अल्टीमेटली इन्हीं के एफर्ट से आपका जो विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में वो पास हुआ तो जो सती एबोल्यूशन था उसमें जो क्रेडिट जाता है वो जाता है राजा राम मोहन रॉय को और आपका जो विडे विडो रीमैरिज वाला क्रेडिट है वो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दोनों आपने याद रखने दोनों इंपॉर्टेंट है उसके बाद चाइल्ड uh, मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट थे पॉलीगेमी यानी कि हैविंग मल्टीपल वाइफ उसके भी अगेंस्ट थे वुमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते थे ये गवर्नमेंट uh, इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं स्कूल्स के और इस टाइम इस ड्यूरेशन में इन्होंने अराउंड थर्टी फाइव गर्ल्स स्कूल ऑर्गेनाइज करवाए अपने खुद के खर्चे से सरकार के खर्चे से नहीं अपने पर्सनल एक्सपेंस से स्कूल की फाउंडेशन की एंड उसके पहले सेक्रेटरी बने 1849 में विच बेसिकली वाज प्रमोटिंग हायर एजुकेशन फॉर वुमेन बेथ्यून स्कूल बेसिकली आपका कैलकटा में इसकी फाउंडेशन की गई थी एंड वुमेन एजुकेशन का प्राइमरी सपोर्टर था चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रिपीट द वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट ये कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था तो देखो गवर्नर जनरल्स मैं बार-बार बोल रहा हूँ इनके टर्म्स में जिस भी गवर्नर जनरल के टर्म में जो जो हुआ है वो अच्छे से कवर करना है तो यहां पर आपके वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके टाइम पर हटा था रिपन के टाइम पर अब देखो वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना यूपीएससी लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते मैं कहता हूँ यूपीएससी जितने क्वेश्चन रिपीट करता है उतने कोई भी नहीं करता अब साल में उसने पूछ लिया कि प्रेस एक्ट लगाया किसने था दूसरे साल में उसने पूछ लिया कि वर्नेकुलर प्रेस एक्ट कि हटाया किसने था ठीक है ये तो कभी सीधा कान पकड़ लिया कभी उल्टा कान पकड़ लिया वो वाली बात होती है आंसर यहां पर होगा आपका लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी तो ये लॉर्ड रिपन के टर्म के मेन इंसिडेंट्स हैं वर्नैकुलर प्रेस एक्ट रिपील किया लगाया था लिटन ने जो रिपन से पहले थे और हटाया रिपन ने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का कंटिन्यूएशन बेसिकली लोकल बॉडीज को और ज्यादा फाइनेंशियल पावर्स यहाँ पर दिए गए गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इनक्रेजमेंट बेसिकली रिपन के अंडर मिला उसके बाद एजुकेशन कमीशन बना सर विलियम हंटर के अंदर जिसको हंटर एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं एलबर्ट कॉन्ट्रोवर्सी मैसौर थर्ड क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडिया इंडिपेंडेंस की इंडिया की इंडिपेंडेंस तक डच के अंडर ही था मॉडर्न कोची बी कहता है डच डिफिटेड द पोर्टुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची डच डिफिटेड द पोर्टुगीज पोर्टुगीज को हराया और फोर्ट बनाया कोची में ऑप्शन सी मॉडर्न कोची वाज़ फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्टुगीज टूक ओवर पहले डच के अंडर थी फिर पोर्टुगीज ने जीता ऑप्शन डी मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का पार्ट नहीं रही आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है बाकी के तीन स्टेटमेंट जो है ए सी डी वो आपके गलत स्टेटमेंट है ब्रिटिश जो मॉडर्न कोची है वो ब्रिटिश कॉलोनी का भी पार्ट था आफ्टर बीइंग अ डच कॉलोनी कोची सबसे पहले पोर्टुगीज की कॉलोनी बना उसके बाद पोर्टुगीज से डच ने लिया एंड अल्टीमेटली डच ने ही वहां पर फोर्ट विलियम बनाया एंड फाइनली वो डच से पास ऑन हो गया ब्रिटिश में तो सबसे पहले आए पोर्टुगीज कोची के अंदर फिर आए डच डच ने वहां पर फोर्ट विलियम बनाया और उसके बाद फिर वो ब्रिटेन के पास चला गया इंडिपेंडेंस तक ब्रिटेन के पास ओके okay, तो ये जो मूवमेंट uh, है वो फॉलो होगा कोची में नेक्स्ट अगेन क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है बैटल्स uh, के ऊपर बैटल ऑफ एंडीवॉश बैटल ऑफ बक्सर बैटल ऑफ आंबूर बैटल ऑफ प्लासे ठीक है तो चार बैटल्स आपको गिवन है अगेन ये क्वेश्चन इजी और इस टाइप का क्वेश्चन भी, हमने पहले भी किया ऐसे बैटल है जो जिनके शायद बहुत बच्चों ने नहीं पढ़े होते मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में दो बैटल का नाम बार बार आता है क्योंकि वो बहुत मेजर बैटल्स थे एज फार एज कंसर्न की ब्रिटिश एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट में और वो थे बैटल ऑफ क्लासे और बैटल ऑफ बक्सर एंड जनरली एक सीरियस कैंडिडेट को बाकी बैटल्स की डेट याद होना हो बैटल ऑफ क्लासे और बैटल ऑफ बक्सर की याद रहती है मैं ये करके चल रहा हूं तो बैटल ऑफ क्लासे जनरली बच्चों को पता है कि इट वॉज फोर्ट इन सेवनटीन फिफ्टी सेवन और बक्सर आपका हुआ सेवनटीन सिक्सटी फोर में तो ये दो बैटल्स की डेट अगर आपको पता है तो क्रोनोलॉजी मतलब कि जो पहले हुआ फिर जो लास्ट में हुआ तो देखो इसमें बैटल ऑफ बक्सर जो है वो बैटल ऑफ प्लासे से पहले दिया हुआ है गलत हो गया ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में ऑप्शन में बैटल ऑफ प्लासे बक्सर से पहले है तो ये एक ऑप्शन प्रोबेबल ऑप्शन हो सकता है दूसरे में भी Plexer, बैटल ऑफ प्लासे बैटल ऑफ बक्सर से पहले है ये भी एक प्रॉबेबल ऑप्शन हो हो सकता है चौथे में भी बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासे जो बैटल ऑफ बक्सर है जो वो से 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 पहले तो तो ये भी नहीं हो हो सकता। यानी कि मेरी एक सिर्फ और बक्सर की से मेरा A और की तो मेरा गया। अब बाकी का जो गेम है उसमें आपको ट्रू फैक्ट पता होना चाहिए तो मतलब कि कंप्लीट एलिमिनेशन इसके अंदर नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होगी एग्जैक्ट डेट्स तभी आप इसको कर सकते हो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसके अंदर Uh, सबसे पहले आपका बैटल ऑफ आमूर हुआ था फिर बैटल ऑफ प्लासे फिर बैटल ऑफ वेंडी वॉर्स एंड लास्ट में आपका बैटल ऑफ बक्सर ये डेट्स हैं आमूर 1749 प्लासे 1757 वेंडी 1760 एंड बक्सर वाज इन 1764 नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबिनिज्म एज अ मूवमेंट ऑप्शन ए एनी बिसेंट बी एओ ह्यूम सी माइकल मधुसूदन दत्त डी आर पाल दत्त फेबिनिज्म के प्रोपोनेंट कौन थे इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सो फेबिनिज्म बेसिकली फेबिनिज्म सोसाइटी एक ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी ब्रिटिश ओरिजिन ही था इसका बेसिकली ये सेंचुरी uh, uh, में इसने काम करना शुरू किया और वर्ल्ड वॉर वन तक बेसिकली ये मूवमेंट ने अपना पीक पकड़ा ये बेसिकली सोशलिस्ट आइडियाज एडवांसमेंट को एनकरेज करती थी एज अपोज टू दैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ओके एंड धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने में द लीडिंग रोल वॉज बिंग प्लेड एंड एनी बेसेंट इसी फिलोसफी को इंडिया के अंदर भी एनकरेज कर रहे थे So, these were the quick five questions, guys, and I hope again that you might have enjoyed the lecture. But auto, just feel free to share. Okay, and see you in the next class. Till then, take care and bye.